कैसे हैं आप? वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक तीन बातों की श्रृंखला में अगले सूत्र हम तीन को धारण करें, ओजस, तेजस और वर्चस। ओज मींस हमारे शरीर में एक जोश, जुनून, वो रहेगा तो हम कर्मठ रहेंगे और अपने शरीर के प्रति भी सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो अपने आप ही हमारे चेहरे पे कांति आ जाएगी, तेज आ जाएगा। और जब ओजमय होंगे, तेजमय होंगे, तो हमारा वर्चस्व, हमारा जो ऑरा है, हमारी जो एक पद प्रतिष्ठा है, हमारा एक जो लोगों के मन में जो एक हमारा स्टेटस है, वो ठीक रहेगा। तो हम तीन बातों को धारण करें, तीन का हम सम्मान करें, संत, सुधारक और शहीद का। संत हमें मार्गदर्शन देते हैं, प्राचीन परंपरा से हमारी संत परंपरा, और संतों ने बहुत कुछ परमात्मा को भी मार्ग दिखाया है। राम जी को लेने आए थे ना संत, तो उन्होंने जब ही तो उनका निखार किया और जगत को पता चला कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमात्मा का ही अवतार है। सुधारक जो हमारे समाज सुधारक हैं, समाज के लिए कुछ नियम दे गए हैं, उनको, सुधारकों को हम नमन करें, उनका सम्मान करें। और हम शहीद जो सीमा पर लड़कर भी हमें अपने सुख दुख को, सबको, सुख को, सुविधाओं को, घर परिवार सबको छोड़कर हमें सुरक्षित रख रहे हैं, हम निश्चिंत बैठे हैं उन्हीं के आधार पर, तो हम उनका सम्मान करें। तीन चीज़ों को मित्रों अपने जीवन से बिल्कुल हटा दो, निर्दयता, घमंड और कृतज्ञता। मनुष्य कभी भी निर्दयी नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा निर्दयी नहीं है, और हम क्या हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम भी उस अविनाशी का ही अंश हैं। तो निर्दयता हमारे अंदर बिल्कुल ना हो, घमंड बिल्कुल नहीं। हम क्या लेकर आए थे और क्या हमने यहाँ कमा लिया? जो कुछ है परमात्मा का दिया हुआ है, उसने ही तो हमें मेहनत करने की प्रेरणा दी, और मेहनत करने की प्रेरणा दी तो हमने बहुत कुछ कमाया। तो घमंड किस चीज़ का? उसकी संपदा है, उसी को समर्पित है। हम तो बस उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। मित्रों, जैसे नाटक में पात्र होते हैं, हम तो वही एक जगत नाटक के पात्र हैं और अपने भूमिका को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो घमंड की तो बात ही नहीं बनती। और कृतज्ञता, यदि आपको कोई थोड़ा सा भी कुछ करके देता है तो उसका एहसान मानिए। तो कृतज्ञता जीवन में नहीं होनी चाहिए, यह नहीं है कि बस आप उसके एहसानों तले दब जाएं, लेकिन हाँ, उसके प्रति कृतज्ञता ना दिखाएं। उसकी जो एहसान है, उसका जो हमारे साथ उसने थोड़ा भी बहुत कुछ अच्छा किया है, उसको हम सहेज कर रखें और उसका सम्मान करें। हम ये तीन वस्तुएं त्याग देनी चाहिए, लोभ, मोह और अहंकार। लोभ तो मोह का मूल है। लोभ तो पता नहीं कितने कितने बुरे काम करवा देता है, चोरी, डाका और बहुत सारे व्यभिचार, केवल ये लोभ ही करवाता। और मोह हमें अपने स्वरूप से हटाता है, तो हमें लोभ भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, और अहंकार का तो मतलब ही नहीं। हम क्या हैं, क्या थे, क्या हो गए? परमात्मा की मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। चलो हम परमात्मा को भी ना माने मित्रों, तो एक बात मानते कि जो ये जगत चल रहा है सारा, किसी न किसी तत्व के आधार पर, किसी न किसी तत्व के आधार पर ही चल रहा है। तो यदि वो परमात्मा नहीं है तो कोई शक्ति तो है, इसलिए लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहें। तीन है वासना, तृष्णा और अहंता। वासना से दूर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि वासना केवल एक काम वासना ही नहीं, भोगने की इच्छा, इकट्ठा करने की इच्छा, कुछ बहुत अच्छा अच्छा देखने की इच्छा, जो अच्छा है या नहीं है, ये सब वासना के अंतर्गत आते हैं। तृष्णा, लालच, चाह, वो भी एक तरह से हो जाता है। तृष्णा है, बनी है भाई, अभी बेटा देखेंगे, उसके बाद पोता, पर पोता, अरे अभी नहीं, परमात्मा का नाम तो हम बाद में ले लेंगे। और अंत में सब ये क्या होता है, सब दुख का कारण ही बनता है, दुख का कारण बनता है। फिर हमें अहमता, एक ज्योतिष आता था, अहम, भाई मैंने इतना कमाया, मैंने इतना, मेरे इतने पोते, मेरा इतना परिवार। अहमता तो रावण की भी नहीं, 1 लख पुत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। सो इसको छोड़ें। और तीन है पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र होगा तो हमारे साथ ये करेगा, ये करेगा, ये भी व्यर्थ की बातें हैं। वित्तेष्णा, धन होगा तो हम सुखी होंगे, ये भी बेकार की बातें। और लोक में, संसार में प्रतिष्ठा होगी
तो भी नहीं, हम अपने मन से सुखी हैं तो सुखी हैं, न तो पुत्र सुख दे सकता, न हमें धन सुख दे सकता, और ना ही हमें जगत सुख दे सकता है। यदि कोई सुख दे सकता है तो वो परमात्मा, जो हमें मजबूत, हमारे मन को मजबूत करता है और सहने की शक्ति देता है। सो आज की श्रृंखला में इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए आयाम के साथ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक और सब्सक्राइब न करना भूलें। मित्रों, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है।